हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं मामा निकाल रही हूँ। तैयारियाँ चल रही हैं, जन्माष्टमी की शुरू हो चुकी हैं बढ़िया तरीके से। तो अभी मैं मामा निकाल रही हूँ, मामा मैं रात को निकाल रही हूँ। उसके बाद क्या क्या होगा अगले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन क्या क्या होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लास्ट तक बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। मैं इसके दो पार्ट करूँगी, तो ये मेरा पहला पार्ट होगा, दूसरा पार्ट मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और प्लीज़ अपना प्यार अपना सपोर्ट बना के रखिए, ऐसे ही जैसे आप अभी भी बना के रखे हुए हो। सो मैंने यहाँ पे 3 किलो दूध चढ़ा दिया है, मैं अभी आपको दिखा दूँगी। मावा निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ दूध को उबालो, अच्छे से पकाओ, जब तक वो बिल्कुल ना फूक जाए तब तक इसको फूको बढ़िया तरीके से। यहाँ पे मेरा ये हो गया है पूरी 3 किलो की थैली कंप्लीट। मैंने थैली मंगाई थी नॉर्मल, वैसा दूध नहीं था भैंस वाला, थैली से अच्छे से निकल जाता है, ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ नहीं होती है, नॉर्मल बढ़िया तरीके से निकाल लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ऐसा कुछ नहीं है। तो एक ये, दो, तीन, चार, पाँच और एक ये 6, तो 6 थैलियाँ हैं आधा आधा किलो की, इसका मतलब ये 3 किलो दूध हो गया, ठीक है। अब 3 किलो दूध में कितना मावा निकलेगा वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। उससे पहले इसको अच्छे से ऐसे चला लेंगे, इसको उबाल लेंगे जब तक ये नहीं उबलेगी। गैस को तेज़ रखना है, वैसे सच बताऊँ तो मैं तेज ही रखती हूँ, मैं तेज में ही पकाती हूँ, क्योंकि 3 घंटे लगने के बजाय मेरे 2-2.5 घंटे में आराम से हो जाता है। अब मैं 2-2.5 घंटे तक दूध के साथ साथ आप लोगों को तो पकाऊँगी नहीं, तो इसीलिए मैं इसको उबाल लेती हूँ अच्छे से और अच्छे से चला लेती हूँ। तब तक मेरा ऐसा कोई काम भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है, मैं इसी में ही लगी रहूँगी। और एक पता है क्या रीज़न होता है, अगर आप दूध को उबालने के लिए रख दोगे ना और दूसरे काम में लग जाओगे तो दूध बाहर निकलने का डर रहता है दूध का, इसीलिए वहीं पर खड़े होकर अगर आप लोग चलाने की हिम्मत रखते हो तो चला के रखिए। वैसे मेरे पैरों की बैंड बज गई थी खड़े खड़े 2.5 घंटे तक, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था और मुझे दूध के साथ खड़ा होना था ज़रूरी, इसीलिए। तो मुझे पता है मेरे पैरों की कैसे वाट लगी थी, क्योंकि जो करता है उसे ही पता रहता है, यू नो। सो यहाँ पे अभी चलाते रहूँगी इसे ऐसी, और कोई काम है नहीं मुझे, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। खाना पीना अभी होना नहीं है, तो खाना पीना किसको देना है, अभी कोई खाने वाला था नहीं। ऐसा होता है कि जब त्यौहार होता है ना तो एक दिन पहले, हमेशा मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, हमेशा लेट ही खाना खाया जाता है, पता नहीं क्यों। सो यहाँ पे ये हो गया है, ऑलमोस्ट चल गया है। अब दूध का उबलने का देख रही हूँ, थोड़ा सा नीचे ये लगना शुरू हो जाएगा। अब मैंने इतना फूक लिया है इसको, ये देखो चारों तरफ से ना छुटाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये बाद में छूटता नहीं है, दिक्कतें देती है। तो मैंने इसको अच्छे से उबाल लिया है, आधा से ज़्यादा ये फूक गया है, मुझे लग रहा है शायद 1.5 किलो दूध मैंने फूक दिया है, 1.5 किलो रह गया है। तो अभी इसमें और भी टाइम लगेगा। और ये देखो, मैं थोड़ी देर के लिए इधर से उधर चली गई थी क्योंकि मेरे पति देव जी आ गए थे, और इतनी ही देर में देखो दूध मेरा कहाँ तक आ गया। इससे पहले तो निकल भी चुका है, आप फ्लैंक देख रहे हो ना, कढ़ाई में देख रहे हो, थोड़ा सा साइडों में से वहाँ के भाग भाग के मैंने इसको कैसे रोका है कि बाहर नहीं जाना, कढ़ाई में से बाहर नहीं जाना, है ना। इसीलिए कह रही थी मैं कि कढ़ाई के पास खड़े होने में फ़ायदा है। ये देखिए, ये आधे से ज़्यादा हो चुका है, अभी इसमें कम से कम आधा घंटा और लगेगा, मैं इसको रेडी करके फिर आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। बाकी गाइस, आप लोगों ने कैसे जन्माष्टमी बताई प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट में, और एक कमेंट कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो, आप लोगों का थोड़ी कुछ आ रहा है, हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी मिल जाएगी। प्लीज़ गाइस, कैसे लोग हो आप, कर भी नहीं सकते हो, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते आप लोग, एक लाइक कमेंट शेयर नहीं कर सकते हो, भगवान आपका भला करेगा, कर दिया करो। तो यहाँ से ना अगर गैस तेज रखेंगे तो देख रहे हो कैसे बबल्स उठ रहे हैं, इनसे ना छींटे बहुत गंदे वाली लगती है, इसीलिए मैं लास्ट टाइम पे ना इसको मंदा कर देती हूँ ताकि कम छींटे लगे, मैं थोड़ा कम जलूँ, और जिसको ज़्यादा जलने का शौक हो ना वो अपना तेज़ गैस कर सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ना ऐसे रिस्क ले चुकी हूँ, कई बार मैं जल चुकी हूँ, तो मुझे नानी याद आ चुकी है, अंश की हरकत देख लो क्या कलाकारी कर रहा था ये।
और ये कैमरा ऑन होते के साथ ही शांति से बैठ गया, शरीफ बच्चे की तरह। ये यहाँ पे सॉन्ग कर रहा था हाय गर्मी, फिर ये रुक गया। सो गाइस, मेरा मामा ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तो मैं ये देखिए आधा मैंने निता लिया था, ये थोड़ा सा बच गया था, आपको दिखाना भूल गई थी, इसीलिए हो गया है कम्प्लीट। हेलो गाइस, राधे राधे सभी को, कैसे हो आप सभी, होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। क्या हो रहा है ये, रुको गाइस, मैंने लड्डू के लिए ये शॉपिंग की है, एक मोर पंख ये देखिए, और मैं कुछ अंदर गए कुछ रही हूँ, कच्चे कुछ कच्चे देख रही हूँ, ऊपर करना है इसको। ये मैं 10 लेके आई थी, कुछ मैंने यूज़ कर लिए हैं, कुछ रह गए हैं, अलग अलग कलर के हैं, ये सारे 10-10 रुपए के हैं। और मैं ये बांसुरी लेके आई हूँ, ये मैं लड्डू के कानों के लेके आई हूँ, पर मुझे लग रहा है कि ये बड़े हो जाएंगे क्योंकि मेरा लड्डू छोटू सा है, और एक ये है छोटे से, तो मैं सोचूँ ये लड्डू को दे देती हूँ, ये मैं खुद यूज़ कर लूँगी। और थोड़ा ऐसे समझा, समझ गया। और मैं लड्डू के लिए कुछ नाइट ड्रेस लेके आई हूँ, एक ये वाली है, खोल के दिखाती हूँ आपको, रुक जाओ। ये री क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी सी, ये पता नहीं कितने की बताई थी, ये 20 रुपए की है। ये तीनों ड्रेस, नाइट ड्रेस जो भी है, ये 20-20 रुपए की है। एक एक ये है घिया कलर की, सॉरी ग्रे कलर की, और एक ये है ऐसे क्या देख रहा है, जो है वैसे ही बताऊंगी ना। तीन ये तीन ड्रेस ये हैं, और मैं ये नज़रिया लेके आई हूँ, हम लोगों को भी दिखाते हैं, अच्छा बताना कैसी है, सब के रेट लिख रखे हैं इन लोगों ने। फुल क्यों ना रही, की चक्कर है, फाड़ दूं क्या, मिलगा मिलगा। सो गाइस, ये है नजरिया, अंश आगे कर रहा है यार, थोड़ा सा दिखेगा भी नहीं इन लोगों को। एक ये है सुंदर सा, और एक ये है ये, और ये है छोटी छोटी चूड़ियाँ, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ड्रेस। OMG, हटा दो। सबसे पहले ड्रेस ये है, ऐसे एक ही ड्रेस है, इस पे लिखा है राधे राधे, और मुझे थोड़ी बड़े घेर वाली पसंद है अपने लड्डू के लिए, तो मैं ऐसे लेके आई हूँ। और एक ये है मोर पंख वाली, और एक सुंदर सी ये येलो कलर की, ये मैं आज रात को पहनाने वाली हूँ जन्माष्टमी पे, जब पूजा होगी, तो फिलहाल के लिए मैं अभी ये पहना के इसे तैयार कर देती हूँ और फिर आप लोगों से मिलवाती हूँ, दिखा देती हूँ। और
भाई यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल नहा रहा है। तो गाइस हमारा लड्डू रेडी हो गया है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रहा, अंधेरे में दिखाई भी नहीं देगा। और ये मैं छोटू सा, गोलू मजू सा, मैं क्यू सा, मेरा लड्डू है, मेरा वासू है। दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, हाँ अब दिखाई दिया। सो गाइस ये रेडी हो चुका है। राधे राधे सभी को, मैं लड्डू की तरफ से। कैसे हो आप सभी, होप कि आप सभी अच्छे होंगे, ऐसा लड्डू पूछ रहा है। सो गाइस जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो गई है। अभी और भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी मैं। फिलहाल मैंने अपने लड्डू को तैयार किया है, अब थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं अपने बाबू की और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ पूजा करने के बाद। सो गाइस मैंने पूजा कर ली है, ये देखिए मेरे लड्डू, ये मेरी माता और ये मैंने जोत बत्ती कर ली है। चलो अब अपना और मैं आपको तैयारी दिखाती हूँ, हम क्या क्या तैयारी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब थोड़ी देर में।